हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किटेक्ट D05 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेडागॉजी और साइकोलॉजी के कुछ टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये एमसीक्यूज का पार्ट 3 में लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि पेडागॉजी और साइकोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या निम्न है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि मापन का पहला दूसरा चरण, मापन का पहला चरण, मापन का तीसरा चरण या मापन का अंतिम चरण जो है गुणों का परिणाम और परिणाम की व्याख्या करता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो ये मापन का जो अंतिम चरण है वो इनकी व्याख्या करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है? मतलब टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो निम्न में से कौन सी ऑप्शन है? ग्रुप डिस्कशन, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस या लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो है लैंग्वेज लेबोरेटरी या इसको जो है भाषा प्रयोगशाला भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पियाजे के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है संज्ञानात्मक विसंतुलन, संज्ञानात्मक स्कीमा, आत्मसात या आवास। तो देखिए फ्रेंड्स, पियाजे का जो विकास सिद्धांत है उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन को जो है संज्ञानात्मक विसंतुलन कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन से संरचनात्मक ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र या भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र इसका सही आंसर है। ठीक, पांचवा प्रश्न है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? है ना, जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन से हल, बंडूरा, वाटसन या स्पीयरमैन। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसे जो है बंडूरा ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? ऑप्शन से विषय आत्मबोधन परीक्षण, इंक ब्लड परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली या संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो मौखिक परीक्षण जो है, देखिए पूरी तरह मौखिक परीक्षण जो है वो है व्यक्तित्व प्रश्नावली। व्यक्तित्व प्रश्नावली जो है वो जो है क्या पूरी तरह मौखिक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित होता है? तो डिस्लेक्सिया देखिए ऑप्शन से खेलने से संबंधित है, गायन से संबंधित है, लिखने से या बोलने से। तो डिस्लेक्सिया जो सामान्य रूप से संबंधित है वो है लिखने से संबंधित है। ठीक है, अब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए और नेक्स्ट है, द क्लॉज ऑफ फ्रेज इज एन यूनिट ऑफ परसेप्शन ऑफ, मतलब जो क्लॉज ऑफ फ्रेज जो यूनिट है वो किससे संबंधित है? इमेज से, कंसेप्ट से, लैंग्वेज या थॉट से। तो ये जो है ये लैंग्वेज से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानवों में जीन इनमें स्थित होता है। तो मानवों में जो जीन कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन से कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या गुणसूत्र। तो मानवों में जो जीन है वो गुणसूत्र में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है। मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन ऑप्शन से, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से ये जो चारों हैं इनमें से किनके प्रयास से प्राथमिक शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है? तो इनमें से जो महात्मा गांधी का जो एक विशेष प्रयास था जिसके कारण जो प्राथमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। 11th क्वेश्चन है, द स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। मतलब इंटेलिजेंस को मापने की स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है, मतलब बुद्धि मापने की स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है वो कब जो है पब्लिश्ड की गई थी? ऑप्शन है 1916, 1903, 1908 या 1900। इसका जो सही आंसर है, ये जो इंटेलिजेंस मापने की स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है 1916 में पब्लिश्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन सेंसरी मोटर स्टेज चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू, ठीक है, ऑप्शन से डिस्प्ले रिफ्लेक्सेस, हैव मोटर कोऑर्डिनेशन,
हैव सेंसरी स्टिमुलेशन, और फोर्थ है फॉर्म सिंबॉलिक रिलेशनशिप, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में चिल्ड्रंस किसके लिए नॉट एबल होते हैं या किसमें अक्षम होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो फॉर्म सिंबॉलिक रिलेशनशिप मतलब प्रतीकात्मक संबंध बनाने में अक्षम होते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ टॉप एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के, और ये जो हैं वर्ग एक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इनको एक बार आप रिवीजन जरूर कर लें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।